कंपनी ऑल्सो, पब्लिक एजेंसी ऑल्सो, ठीक है। अगर इस तरह के रेगुलेटर नहीं होंगे सेक्टर स्पेसिफिक, देन इट विल नॉट बी पॉसिबल टू एंश्योर स्मूथ वर्किंग ऑफ द प्रोजेक्ट। देन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये तो इंडिया की प्रॉब्लम है, मिनिस्टर चाचा भतीजावाज, ठीक है, हम आपको प्रोजेक्ट दिलवा देंगे, एक बार मिनिस्टर बनवा दो हमें, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड मिड टर्म इश्यूज। प्राइवेट सेक्टर, अनलेस देयर इज ए पेनल्टी, प्राइवेट सेक्टर कैन ऑलवेज रन अवे, हमेशा रन अवे कर सकता है। अभी देयर इज ए प्रोजेक्ट विच इज यू नो पेंडिंग बिटवीन दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली चंडीगढ़ जो हाईवे है वो रिकंस्ट्रक्शन उसका हो रहा था, एंड बिकॉज द कंपनी लेड बाय सुभाष चंद्रा, इट यू नो बिकम बैंकरप्ट एंड सम प्रॉब्लम केम, इट यू नो इट हैज स्टॉल द प्रोजेक्ट, पूरा प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया है, ठीक है। सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड मिड टर्म इश्यूज, देन लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड रेस्पॉन्स टू द अनप्लैंड सिचुएशन, एज दीज प्रोजेक्ट आर वेरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एंड देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ अनफोर्सिन सिचुएशन, बट बिकॉज ऑफ रिजिड टर्म्स एंड कंडीशन दीज अनप्लैंड सिचुएशन कैन नॉट बी रिजोल्व। इकोनॉमिक सर्वे 15 ऑल्सो एम्फसाइज्ड ओवर लिवरेजिंग, दैट इज बिडिंग बियॉन्ड कैपेसिटी एंड एक्सपेक्टिंग गवर्नमेंट टू रीड्रॉ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि प्रोजेक्ट लेने के लिए हमने मतलब वायबिलिटी के बियॉन्ड हमने उसको बिड दे दी, बाद में गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एनपीए इशू इन द फाइनेंसिंग एंड एबसेंस ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, वी डोंट हैव द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, सो फ्रॉम वेयर टू ब्रिंग द फाइनेंस। देन क्लियरेंस इश्यूज, लैंड एंड द एनवायरमेंट, राइट, सो ऑल दीज आर द इश्यूज, आई हैव डिस्कस द इश्यूज इन वेरी मच डिटेल, टू रिमेंबर दैम यू शुड मेक ए माइंड मैप, ठीक है, यू शुड मेक ए माइंड मैप। लास्ट, इन द लास्ट आई थिंक 5-6 डेज अगो, आई आस्क यू टू मेक द लिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, देन लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स, तो आर यू वर्किंग ऑन दैट? आई नो द नेम्स ऑफ पीपल, किस किसने क्या क्या प्रोमिस किया था, आई हैव दैट लिस्ट, आर यू वर्किंग ऑन दैट? राजकुमार इज वर्किंग, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल? राजिता इज वर्किंग, ओके गुड, चंद्रेश इज वर्किंग, ग्रेट राजिता, वंडरफुल, सो यू कैन शेयर विद मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, ऑन दिस नंबर यू कैन शेयर 9811210379, ठीक है। और बेटर आप व्हाट्सएप पे शेयर ना करके आप इस ये मत कीजिए, यू शुड सेंड द ईमेल टू rahul@diademy.com, ठीक है, सो दैट आई कैन गिव द फीडबैक एंड आई एज आई प्रोमिस्ड आई विल मेक द कंपाइलेशन ऑफ ऑल दैट एंड विल डिस्ट्रीब्यूट टू एवरीवन, ठीक है, सो दैट विल बिकम ए कॉमन रिसोर्स ऑफ एवरीवन, ठीक है। सो जस्ट मेल इट टू मी एट rahul@diademy.com, जिस भी फॉर्मेट में आपने बनाई है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी डज नॉट मैटर, आई विल गेट इट डन इन द आई विल गेट इट अरेंज इन द वेरी ब्यूटिफुल मैनर विच इज प्रेजेंटेबल एंड विच इज यूजफुल फॉर एवरीवन, ठीक है। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द पीपल, बाकी लोगों का? निहारिका, सोनम, आर यू प्रिपेयरिंग? आई एम रिमाइंडिंग यू एंड सबमिशन विल बी डन बाय कमिंग ट्यूजडे, ट्यूजडे तक आपको सबमिट करेंगे, अकॉर्डिंगली यू शुड कीप प्रिपेयरिंग, ठीक है, वंडरफुल, चलिए वंडरफुल, वेरी गुड, चलिए। सो नाउ रिकमेंडेशंस ऑफ विजय केलकर कमेटी, नंबर वन, नेशनल पीपीपी पॉलिसी, डिस्पाइट हैविंग सो मच सिग्निफिकेंस देयर इज नॉट ए सिंगल पॉलिसी। नंबर टू, 3P इंस्टीट्यूशन, दे शुड बी सेपरेट इंस्टीट्यूशन विच कैन एक्ट एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विच कैन प्रोवाइड द बेस्ट प्रैक्टिसेस विच कैन प्रोवाइड द सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, हाउ टू एंश्योर दैट कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट बिकम ए ब्लॉक, रोड ब्लॉक इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। नंबर थ्री, इंफ्रास्ट्रक्चर पीपीपी प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पीपीपी एडजुडिकेशन ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो रिव्यू कमेटी होनी चाहिए एंड ट्रिब्यूनल होना चाहिए, रिव्यू कमेटी सो दैट देर इज मॉनिटरिंग ऑफ द परफॉर्मेंस एंड ट्रिब्यूनल सो दैट इफ देर इज सम इशू इट
इट कैन बी रिजोल्व राइट एंड देर शुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पेशल इन दिस रिव्यू कमेटी देर शुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ आइदर प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर सो दैट इफ देर इज सम प्रॉब्लम इन द एग्जीक्यूशन सम मिनिस्ट्री सम डिपार्टमेंट सम एजेंसीज बिकमिंग अ रोड ब्लॉक देन इट कैन इजिली बी रिजोल्व ठीक है बिकॉज दीज आर द वेरी 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 इफेक्टिव अथॉरिटीज amend the prevention of corruption act so that there is a distinction between genuine errors in the decision making and the acts of corruption theek hai agar genuine error aur jo acts of corruption hai usme ek difference kiya ja sake so that the officers are not worried about the wrong decision making they can freely make the decision with respect to renegotiation with respect to change in the terms and condition and encouraging the banks and financial institutions to issue deep discount bond or zero coupon bond what is deep discount bond so deep discount bond basically means where the issue price is for example the bond is worth rupees 1000 and the issue price is 800 and the redemption price is 1000 so this 100 rupees this 200 rupees become the income of the bond holder theek hai so I can't detail it much main isko zyada detail nahi kar sakta ki what is issue price was because that is the concept of prelims agar aap prelims mein samajhna chahte hain to already youtube par mere lectures hain already on the youtube I have the lectures of economy current affairs of prelims which I took earlier some of the current affairs are also you know will have developed over last 2-3 months I will be discussing those in some of the sessions which I'll be conducting maybe in this month or next month theek hai to economy current affairs mein aap already dekh sakte hain maine bahut beautiful lectures banaye hue hain detailed lecture aapke banaye hue hain you can take benefit from there and will be taking more lecture also theek hai now सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिकली मीन्स कि कोई जैसे आपने बैंकिंग सेक्टर में काम किया है तो बैंकिंग सेक्टर में इफ देयर इज सम एजेंसी वेयर एनीवन कैन गो एंड टेक कि हाउ टू रन द बैंक इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर व्हाट एवर प्रॉब्लम हैव बीन फेस्ड बाय डिफरेंट एजेंसी सो फार डिफरेंट बैंक सो फार बेस्ड अपॉन दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिस शुड बी डेवलप्ड सो दैट इन द फ्यूचर देयर इज अ स्मूथ वर्किंग ऑफ द बैंक ठीक है तो इसी तरह से पीपीपी सेक्टर में कि कोई भी जो भी अभी तक प्रॉब्लम फेस की है डिफरेंट डिफरेंट पीपीपी प्रोजेक्ट्स ने उनकी केस स्टडी है उनके पास में एंड बेस्ड अपॉन दोस केस स्टडी दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस दे आर कलेक्टिंग द लिस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस व्हिच शुड बी इंप्लीमेंटेड ठीक है थ्री पी मीन्स पीपीपी ठीक है इंस्टीट्यूशन मीन्स कोई भी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ठीक है इट इज अ वेरी जेनरिक टर्म इट इज नॉट टेक्निकल टर्म ठीक है Now recommendation of the Vijay Kelkar committee number 1 concession agreement what is concession agreement it is the you know contract between the public and the private sector jisko hum technical term mein concession agreement isko bolte hain theek hai should stipulate important commercial parameter like return on equity so minimum stipulated return should be promised by the public company by the government to the private sector treatment of land for non commercial purposes ठीक है सो एवरीथिंग शुड बी क्लियरली डिफाइंड नंबर टू ओपन द एवेन्यूज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्पेशली यू नो अलाउ मोर एफडीआई एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर बेस्ट सुटेड फॉर द पीपीपी बिकॉज द प्रोजेक्ट्स आर लॉन्ग टर्म इन नेचर रोड पावर रेलवे दीज डू नॉट गिव द रिटर्न इन वेरी शॉर्ट टाइम सो वी नीड द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग विच इज फॉर द लॉन्ग टर्म एंड द बेस्ट वे कैन बी एफडीआई ठीक है सो वी आर ऑलरेडी ओपनिंग अप एफडीआई इन मेनी सेक्टर्स protecting against obsolescing bargain what is this so basically if there is change in the government policy and because of change in the government policy in future the project becomes unviable or even if the project is viable the terms and condition turn in the favor of the government in that case
द इंटरेस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर शुड ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड. मतलब फ्यूचर में बिकॉज ऑफ चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी इफ द इंटरेस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर आर हार्म्ड इन दैट केस यू नो द प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट शुड ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आपको एग्जाम्पल दे देते हैं. रिसेंटली वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ लॉकडाउन, कोविड लॉकडाउन, एंड बिकॉज ऑफ दिस कोविड लॉकडाउन देर वॉज यू नो माइग्रेंट क्राइसिस विच रिजल्टेड इन टू द शिफ्ट ऑफ लेबर विच वॉज वर्किंग इन द डिफरेंट प्रोजेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे रिटर्न बैक टू द होम टाउन. सो लेबर क्राइसिस एंड ऑल्सो द स्टॉपेज ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क ड्यू टू लॉकडाउन टर्म्स एंड कंडीशंस. ठीक है, अब ये गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से ये हुआ था जो भी हुआ था, एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज यू नो मोस्ट ऑफ द पीपीपी प्रोजेक्ट दे हैव टू इंस्टॉल्ड एंड देयर टाइम एंड कॉस्ट बोथ विल एक्सीड. क्योंकि कॉस्ट कैसे एक्सीड करेगी, बिकॉज फॉर द टाइम द प्रोजेक्ट इज इंस्टॉल्ड, फॉर एग्जाम्पल इफ द प्रोजेक्ट इज इंस्टॉल्ड फॉर 3 months फ्रॉम मार्च टू जून, फॉर 3 months द प्राइवेट कंपनी विल बी पेइंग द इंटरेस्ट टू द बैंक ऑन द अमाउंट विच इट हैज बोरोड फॉर दैट प्रोजेक्ट, एंड देर आर मेनी अदर कॉस्ट विच कैनॉट बी स्टॉप्ड. लेबर को भी पेमेंट करनी पड़ेगी और भी पेमेंट करनी पड़ेगी. सो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल इंक्रीज एंड द टाइम ऑफ डिलीवरी विल ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज 3 months वर्क स्टॉप्ड. इफ द प्रोजेक्ट वॉज सपोज टू बी डिलीवर्ड इन डिसंबर 20, नाउ इट विल बी डिलीवर्ड इन मार्च 2021. सो नाउ the terms and conditions are not in favor of the private sector because of change in the government policy. In this case, the government should provide relaxation to the private sector so that private sector's interests are not harmed. ठीक है, तो ये example है. Now Niti Aayog also gave some suggestions. Number one infrastructure committee where PM or FM is the member. Number two, increase enforcement and monitoring effort. ठीक है, whatever contract you are signing, enforcement and monitoring is important. Strengthen dispute resolution mechanism because if there is some dispute, timely resolution is helpful for the interest of success of project. You know, it is not about ki who is winning. It is not about ki public company is winning or private company is winning. It is more about ki how to make the project work. Curb aggressive bidding. ठीक है, in the starting itself, if the government finds that this bidding is aggressive, it should not give this bid. It should not award the project. Recommendation on financing by HLFCI. HLCFI is one of the institution for the financing. So this should finance the PPP projects. Reorient the role of IIFCL, India Infrastructure Finance Company Limited, which was established after 1991 liberalization. So this should provide the refinance. What is refinance? Refinance basically means that suppose any bank is giving the loan to any PPP project, so this loan should be correspondingly financed by the IIFCL to the bank so that the bank can further lend to new project. And sector specific measures which we have already seen also given by the Kelkar committee. These are some World Bank recommendations to make PPP work. Number one, political will, political commitment and championship to support the PPP agenda. Number two, project teams, sophisticated skills for high quality project preparation, procurement and contract management. Number three, institutions and governance, who does what, jurisdiction, processes, standardization. So these are the three terms which you can mention in the you know conclusion. The World Bank recommended political will, strong institutions and governance, and the sophisticated skills project team. In the conclusion, we can share PPP project should have correlation between reasonable profit for the private player and user capacity to pay. Okay. Number two, independent project renegotiation structure. This is important. Third, harnessing.
सिंपली हियर द प्राइवेट कंपनी इज मैनेजिंग द पब्लिक फैसिलिटी और जस्ट प्रोवाइडिंग द सर्विस, नो इन्वेस्टमेंट, नो अदर थिंग, सिर्फ मैनेजमेंट का काम है, ओनली एंड ओनली द मैनेजमेंट. फॉर एग्जाम्पल इट मे बी इन डिस्कॉम, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन द पावर सेक्टर, और इट कैन बी इन द एयरपोर्ट, दैट इट इज रनिंग द एयरपोर्ट. देन नंबर टू, लीजिंग द लीज कॉन्ट्रैक्ट. लीज बेसिकली मीन्स रेंटल, रेंटल एग्रीमेंट, राइट. सो लीज, डेवलप, ऑपरेट. सो पब्लिक सेक्टर एंटिटी रिटेन्स द ओनरशिप ऑफ द न्यूली क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड इट रिसीव्स द पेमेंट इन टर्म्स ऑफ लीज एग्रीमेंट. तो मतलब फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट इज बिल्ड बाय द पब्लिक एजेंसी एंड इट इज गिवन ऑन रेंट और लीज टू द प्राइवेट कंपनी. नाउ प्राइवेट कंपनी इज बेसिकली डेवलपिंग, मे बी सम फैसिलिटी कुछ डेवलप करती है यहां पे, सम एक्स्ट्रा फैसिलिटीज एंड ऑपरेटिंग इट ऑल्सो, इसको ऑपरेट भी करती है. सो दिस इज लीज, डेवलप, ऑपरेट, राइट. सो डेवलपमेंट ऑफ फैसिलिटीज एंड देन ऑपरेटिंग द प्रोजेक्ट. नंबर थ्री, कंसेशन एग्रीमेंट. कंसेशन एग्रीमेंट इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन a company and a government that gives the company the right to operate in a specific business within the government jurisdiction. Matlab jo normally government ki jurisdiction mein hota hai, right. So for example railway, railway is in the exclusive jurisdiction of the government. So if any contract is signed between the railway and the private company, it is called concession agreement. Then isme jo private company is it is called concessioner and government is called concession authority, right. Then build, operate, transfer. Build means construction, operate means first you will construct, the private sector will construct the road, then it will operate the road, theek hai, and after it is able to collect its own cost, after the cost is recovered, then it will transfer this road in the name of the government. So this is called build, operate and transfer. Pehle aap build kijiye, operate kijiye, you recover your cost and then transfer to the government and its various variants. Now we will see the various variant of the BOT, right. So build, operate, transfer, theek hai. So here, so please understand this very carefully. Private players, they build. For example, we take example of road. Road की हम बात करते हैं. The private company will build the road, operate. For example, it will collect the toll charges या जैसे भी, मतलब it will maintain and it will operate. जो operation होगा वो इसके हाथ में होगा and maintain the infrastructure for a specific period before transferring the asset back to the government, right? So, for example, there is an agreement that the cost of the project is 1000 CR. Once the project is completed, the private company will levy the, will collect the toll charges, and every year the toll charges of 100 CR can be collected based upon the estimate. So after 10 years, once this cost of 1000 crore is recovered in 10 years, the road will be transferred to the government. Are you getting? So build, operate, transfer. ठीक है, तो 1000 CR किसने लगाया? Who invested this 1000 CR? Private sector, right? किसका risk है? Risk of toll charges? Private sector. If there is any problem about land acquisition, about environmental clearance, who will be at the risk? Private sector. Are you getting? So private sector is the major player in this kind of contract. Government is just sitting and waiting ki ye project mujhe baad mein mil jaye, theek hai.
नाउ प्राइवेट प्लेयर अरेंजेस फाइनेंसिस व्हाइल कलेक्टिंग टोल रेवेन्यू, जो हमने यहां बात की 1000 crore विल बी कलेक्टेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, टोल चार्जेस विल बी कलेक्टेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, दैट इज कॉल्ड BOT मॉडल, इसको हम BOT मॉडल बोलते हैं, ठीक है, BOT टोल मॉडल, राइट। बट इन सम केसेस इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट टोल चार्जेस आर नॉट कलेक्टेड, ठीक है, बिकॉज द गवर्नमेंट इज बिकॉज दैट पर्टिकुलर एरिया इज बैकवर्ड एरिया एंड द पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड द टोल चार्जेस, इन दैट केस द गवर्नमेंट विल पे सम रेवेन्यू फ्रॉम इट्स ऑन पॉकेट ऑन एवरी ईयर बेसिस। सो एनुअल बेसिस एनुअल इंस्टॉलमेंट विल बी गिवन टू द प्राइवेट कंपनी एंड वंस दिस कॉस्ट ऑफ 1000 crore इज रिकवर्ड देन द रोड विल बी ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी इन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट। सो दिस इज कॉल्ड BOT एन्युटी मॉडल। एन्युटी मीन्स एनुअल इंस्टॉलमेंट, टोल मीन्स टोल चार्जेस। आर यू गेटिंग एवरीवन क्लियर? BOT टोल, BOT एन्युटी मॉडल, प्लीज टेल मी आर यू क्लियर, यस और नो? इट इज जस्ट अबाउट कि पैसा कैसे रिकवर होगा, पैसा या तो टोल चार्जेस से रिकवर होगा या एनुअल इंस्टॉलमेंट से रिकवर होगा, बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी डन बाय द प्राइवेट कंपनी, ऑपरेशन विल ऑल्सो बी डन बाय द प्राइवेट कंपनी, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट मे और मे नॉट टेक द रिस्क, ये जो रिस्क की हमने बात की, द रिस्क ऑफ हाउ टू रेज द फाइनेंस, रिस्क ऑफ वेदर टोल चार्जेस विल बी एबल टू यू नो विल बी कलेक्टेड विद इन 10 years और नॉट, एंड एनी द रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल लैंड क्लियरेंस, ऑल दोज रिस्क डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट द रिस्क मे और मे नॉट बी शेयर बिटवीन द टू पार्टी, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि शेयर हो। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड दिस ऑल थिंग्स बेसिकली आर वर देयर इन द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2018, दो साल पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, ये पॉइंट मैंने वहां से उठाया, लाइक इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एनालिसिस। Now what are the problems? Number one, private players have to fully arrange for finance and NPA riddled banks are reluctant to lend. ठीक है, तो definitely we have the problem of NPA, then private sector may not be able to participate fully. Number two, risk of low passenger traffic. ये भी possible है कि हम 10 साल में उस cost को recover ना कर पाए। Number three, delay and cost overrun due to environmental clearance and the land acquisition. I have discussed all these three point in my discussion. ठीक है, तो ये तीन problem है BOT मॉडल के साथ में, बिकॉज ऑफ दिस द प्राइवेट कंपनीज आर नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट इन द BOT मॉडल। नाउ डिफरेंट वेरियंट ऑफ द BOT मॉडल, अलग अलग इसके वेरियंट हो सकते हैं, वेरियंट मीन्स डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आई हैव गिवन, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द EPC, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल, वॉट इज दिस EPC मॉडल क्या होता है? ठीक है, सिंपली इसको हम बोलते हैं टर्नकी मतलब चाबी घुमाइए और आपका प्रोजेक्ट चालू। फॉर एग्जाम्पल द प्राइवेट कंपनी बिल्ड्स द पोर्ट एंड इट सेल्स this port or this facility to the government and government gives the money to the private company immediately. आपने हमें ये facility दी है, आप ये पैसा लीजिए, so this is called turnkey project and turnkey project means private company has given the keys of this port, government will pay the money to the private company and will open the door of the port and will start the operation. ठीक है, so now किस तरह से होगा? Who has arranged the initial finance by the private company but you know immediately paid by the government, that means the burden of finance is on the government. ठीक है ना,
क्योंकि रिकवरी अभी स्टार्ट नहीं हुई है एंड गवर्नमेंट हैज पेड फ्रॉम द पॉकेट. सेकंड, रिस्क किसका होता है इसमें? रिस्क किसका होता है? रिस्क इज विद द गवर्नमेंट, बिकॉज ये बाद में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल, ईपीसी मॉडल. सो लेट अस सी मोर अबाउट इट. प्राइवेट प्लेयर्स दे प्रोक्यूर द मटेरियल एंड कंस्ट्रक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, तो दे प्राइवेट कंपनी हैज बिल्ड द पोर्ट. नो रोल इन द रोड ओनरशिप, टोल कलेक्शन और मेंटेनेंस, क्योंकि ये रोल किसका हो गया? गवर्नमेंट का हो गया. इन्होंने तो रोड बना करके दे दी गवर्नमेंट को. नाउ गवर्नमेंट इज ऑपरेटिंग, गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग द रेवेन्यू, गवर्नमेंट इज मेंटेनिंग, इनको कोई मतलब नहीं है. प्राइवेट कंपनी का काम क्या था? सिर्फ और सिर्फ ये काम था प्राइवेट कंपनी का, नो अदर वर्क, ओनली दिस वर्क. NHAI, NHAI is a government agency. So government pays private player for the construction of the road. Just for example, I told you in the this port sector. Government with the full ownership of the road finances the project, starting 1000 crore per diye. Number two, does land acquisition with the private player. जब ये road project बन रहा था, उस समय land acquisition भी government ने करवाया था. Takes care of toll collection. Maintains the road. ठीक है, so primary responsibility is with the government. So this model is preferred during the was preferred in the 13 to 15, right? So can you see one thing? In the BOT model, it was tilted. You know, somehow private sector was more burdened. Private sector के ऊपर ज़्यादा burden था in terms of arranging the financing and sharing the other risk. In the EPC, the public sector is burdened. ठीक है, so these are the lacunas of each one of them. यह इनकी problem है. Therefore, there is a midway. एक midway है. So EPC के issues क्या है? हाँ, let us see EPC issues. Number one, cost escalation. Cost escalation means the private sector agreed for constructing the port for 1000 crore, but when actually the project was built, the actual cost was 1500 CR. So leading to the dispute. Number two, unrealistically low estimate. Low estimate means at the time of starting of bidding process, NHAI is estimating that our project will build at just 500 CR, while actually uska cost jyada aane wala hai. So leading to the problems. Stringent payment terms. Government is not ready to pay to the private company. It is always finding the fault in the project. Limited government resources. So because the primary responsibility of financing is with the government, but government is already facing the problem of resources. Now the solution is hybrid annuity model. ठीक है, हाइब्रिड मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ईपीसी एंड बीओटी. एन्युटी, एन्युटी मीन्स दे विल बी सम काइंड ऑफ एनुअल पेमेंट बाय द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट कंपनी फॉर सर्टेन पीरियड, फॉर एग्रीड सर्टेन एग्रीड पीरियड. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड एन्युटी मॉडल. सो लेट अस सी हाउ डज इट वर्क. कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉडल वेयर ईपीसी 40% एंड बीओटी 60%. व्हाट इज द मीनिंग? ईपीसी 40% मीन्स द गवर्नमेंट विल पे 40%. गवर्नमेंट और एनएचआई विल रिलीज 40% इमीडिएटली ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट. And it collects the revenue. Toll collection कौन करता है? Toll collection is done by the NHAI, right? And 60% money it will be given through annual installment to private company. ठीक है, so developer arranges the balance 60%.
initially and out of this 60% some of will be own capital, kuch to apna khud ka paisa hoga, and rest will be the loan fund. दोनों तरह से पैसा आ सकता है. ठीक है. प्राइवेट पार्टनर कंटिन्यूज टू बियर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रिस्क एज इन केस ऑफ बीओटी. तो कंस्ट्रक्शन रिस्क और मेंटेनेंस रिस्क विल बी विद द प्राइवेट सेक्टर. सो कैन यू सी कि वी हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ईपीसी एंड बीओटी. ठीक है. तो दोनों का हमारा इसमें कॉम्बिनेशन हो गया. नाउ बोथ आर शेयरिंग द फाइनेंसिंग. दोनों ही फाइनेंसिंग शेयर कर रहे हैं. गवर्नमेंट इज शेयरिंग 40% कॉस्ट. Developer is sharing the 60% cost. So there is no burden of finance on single player. ठीक है. Secondly, risk is also shared. Private partner will bear the risk of construction and maintenance. But if there is any other risk, for example, risk of environmental clearance, low traffic risk, all that risk is shared by the government also. ठीक है. वो risk government share करता है. ठीक है. Now, HAM advantages, it spreads the risk. Regulatory clearance, compensation, commercial risk and traffic risk, they are borne by the government. ठीक है. Regulatory risk, if there is any change in the regulation, compensation risk, commercial risk and traffic. Now, some recent developments, PPP in the railway. Concessionary agreement. So this is purely this agreement is primarily like for two things: station redevelopment plus operation of 109 trains. So these are the terms and conditions. ये terms and conditions हैं. ठीक है. आप इसको देख सकते हो. Some recent initiatives of the government in the PPP sector. Set up more warehouses with the states in the PPP mode. Set up of Kisan Rail with the rail system in the PPP mode. ठीक है. 109 ट्रेन्स एंड स्टेशन रीडेवलपमेंट. सेटअप न्यू हॉस्पिटल्स थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग. लिंक मेडिकल कॉलेज विद द हॉस्पिटल्स इन द पीपीपी मोड. रीडेवलपमेंट ऑफ 4 स्टेशंस एंड 150 पैसेंजर ट्रेन्स. जो हमने यहां पर अभी 109 आर बीइंग इमीडिएटली इंप्लीमेंटेड. 5 न्यू स्मार्ट सिटीज. स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द पीपीपी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर. Develop metro rail, ecotourism resorts, electric buses, integrated micro irrigation. So you can see even in the agriculture sector it is there. Ropeways development to increase accessibility in the remote areas. Then other initiatives, best practices collation, India knowledge hub portal. ठीक है. जिसकी हम बात कर रहे थे institution of excellence. So it has been developed in the form of portal. A dedicated section on PPP has been developed on Niti Aayog's India Knowledge Portal, where best practices will be collated. PPP appraisal unit, which can actually look into the viability of the project or the accurateness of the contract. PPP to provide long-term funding for the researchers and the scale of production needed to tackle the pandemics. Okay, so this is in the context of COVID. Government funded housing in the cities will be turned into affordable rental housing complexes under PPP mode. The Airport Authority of India has awarded 3 airport out of 6 operation maintenance, and private companies will be playing important role in the satellite launch and space based services. The private sector will be allowed to use ISRO facilities and the other relevant. So you can see space sector mein bhi aa chuka hai. Theek hai. Railway mein hum dekh chuke hain. Research mein aa hi raha hai. Theek hai. Research mein. Center to establish research reactor, that is a nuclear, ठीक है, in the PPP mode for production of medical isotopes,
टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू अफोर्डेबल ट्रीटमेंट फॉर कैंसर एंड द अदर डिसीजेस. तो हेल्थ सेक्टर एंड द न्यूक्लियर रिसर्च सेक्टर. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन, डिस्पाइट रीजनेबल सक्सेस ऑफ BOT एंड OPC मॉडल, PPP इन द इंडिया हैज नॉट परफॉर्म वेल. हाउ कैन हाइब्रिड एनुटी मॉडल रिजोल्व दिस प्रॉब्लम एंड एनक्रीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक प्रोजेक्ट, राइट? सो हियर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. वेरी दैट क्वेश्चन, नॉट मच चैलेंज. सो वी विल राइट द लिमिटेशंस ऑफ BOT एंड EPC. बेस्ट वे विल बी, वी कैन मेक ए यू नो टेबल वेयर ऑन द वन हैंड वी कैन राइट द लिमिटेशंस ऑफ BOT एंड अदर वेयर इन द अदर कॉलम वी कैन राइट प्रॉब्लम ऑफ OPC. ठीक है, देन वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग एंड वर्किंग ऑफ HAM. And its advantages. Then, in the conclusion, we will give other recommendations in general about the PPP sector, so that to make the PPP projects work, we have to look into other things also, as per the Kelkar Committee plus Niti Aayog प्लस वर्ल्ड बैंक एंड इन द इंट्रोडक्शन यू कैन राइट अबाउट द नीड ऑफ PPP इन इंडिया. ठीक है, सो विनीला आस्क द क्वेश्चन इन द स्टार्टिंग, सर हाउ शुड वी थिंक? सो स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द बॉडी पार्ट, डोंट थिंक फ्रॉम द इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पार्ट. वंस यू आर थोरो विद द बॉडी देन राइट द इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एंड इन द लास्ट राइट द इंट्रोडक्शन. ठीक है, सो बेस्ट इंट्रोडक्शन विल बी टू शेयर द नीड ऑफ द PPP इन इंडिया. ठीक है, और अल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो यू नो मेंशन अबाउट द इवोल्यूशन की वी हैड वंडरफुल डेवलपमेंट ऑफ दिस सेक्टर बिटवीन 2004 to 2011. इट वॉज अ गोल्डन पीरियड, बट After 2011 onwards, the problems are there. ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, there can be another way of writing the introduction. Clear everyone? Any doubt so far? As I already say, in the conclusion, write 15% or 10%, between 10% to 15%, introduction 10%, and rest in the body part. ठीक है, तो body part में you can write between 75% to 80%, which can further be divided into these two things. So around 30% here and 45% here. Any question? Sir, in the EPC model, can you hear me? Yes, yes. Sir, in the EPC model, the government pays the entire money at once or in installments? Once, at once. Then sir, what is the why did the government go for the EPC? There is it has to take the risk, it also has to make the payment at once. Then see, why did the government this is one of the model, theek hai na, one of the model. When private sector is not willing to operate through the BOT, the government might have to adopt this model. This is not the only model. Theek hai, when any work is being done, so different models can be explored. ठीक है? Okay sir. ठीक, yeah. Please don't do this side chatting because this is distracting everyone. है ना? Other people who want to concentrate in the class, they will also be distracted. If you have any question, please ask in the last. ठीक है? In the last, I always ask you. If you have any question, you can ask me. ठीक है? So please don't distract other people. This is not good practice.
अदर पीपल विल ऑल्सो गेट डिस्ट्रैक्टेड थ्रू दिस काइंड ऑफ चैटिंग. ठीक है, चलिए. सो नाउ देयर इज लास्ट मॉडल, दैट इज द स्विस चैलेंज मॉडल. स्विस चैलेंज मॉडल में क्या होता है, आई एम शेयरिंग लिटिल बिट अबाउट दैट हियर, अदरवाइज देयर इज ऑलरेडी अ वीडियो, यू कैन सी दैट इन योर डैशबोर्ड. ठीक है, सो आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस लिटिल बिट व्हेन आई डिस्कस द न्यू हाइड्रोकार्बन पॉलिसी. एनीवन रिमेंबर्स, किसी को याद है, हु वुड लाइक टू शेयर अबाउट स्विस चैलेंज मॉडल? आई ऑलरेडी डिस्कस्ड. Swiss challenge model, there is a private anyone who wants to initiate a project, he gives up the proposal, then the government considers the proposal and opens up the bid, and but the person who is initiating it gets the first chance, and in case he to get the bid, like to match the competing bid, and if his bid is more then he gets it, and if he doesn't have the highest bid then the second person gets it. Wonderful. ठीक है, wonderful. So let me share quickly with everyone how does it work. So basically, normally what happens? Suppose government has to involve the private sector in the railway. So then it will identify the area. It will decide the estimated cost and it will initiate the process of tendering. Right? So, who is driving the work? The government is driving the work. It will invite the players A, B, C, D. They will submit their proposal, and whosoever submits the proposal of lowest cost and satisfying other eligibility condition, suppose Mr. D, he will get the contract. This is the normal condition other than Swiss challenge model. ठीक है, now how does Swiss challenge model works? अब Swiss challenge model कैसे काम करता है, let me share that. So, in the Swiss model, the private company will identify the area, will estimate the cost, and will initiate the process. How? Private company will submit its proposal. To the government. Right. For example, the exploration of oil and natural gas field. Right? Private company Reliance identifies the site. कि ठीक है, ये site है जहां पर oil and gas आ सकता है. It has estimated कि यहां पर इतना cost आएगा, and it is submitting the proposal to the Ministry of Energy to get this project. Now, any government agency cannot award the contract to any private company without giving the open invitation to the public. ठीक है, government has to provide fair chance to everyone. ठीक है, so that has to be there. So how the government will work? Government, once the government is sure that yes, this proposal is implementable, and government will now invite other players also. Suppose this is the Reliance company, and Reliance has proposed that I will pay government 5000 CR if you involve me in the exploration of this field. Agar aap mujhe ye field dete ho, to main aapko 5000 CR dunga. Theek hai? Government will now invite other players
सपोज अदर कंपनीज कम ए बी सी डी ई, नाउ दे विल सबमिट देयर प्रपोजल. सपोज एनी कंपनी, सपोज ए कंपनी, इट सबमिट द प्रपोजल एंड इट सेज दैट आई विल पे 7000 सीआर फॉर दिस फील्ड. अगर आप मुझे फील्ड दोगे तो 7000 सीआर दूंगा, ठीक है. नाउ द गवर्नमेंट इट विल आस्क द रिलायंस दैट इन केस यू वांट टू गेट दिस प्रोजेक्ट आर यू रेडी टू पे 7000 सीआर बिकॉज वी हैव ए प्रपोजल फ्रॉम एनी अदर कंपनी फॉर 7000 सीआर. आर यू वेटिंग? सो विल यू पे 7000 सीआर टू अस? इफ यस देन you have the first right to get the project. You have the first right of refusal. मतलब आप दूसरे को मना करवा सकते हो because the proposal was initiated by you. So you have the first right to get the project, right? But for that you have to give 7000 CR. The proposal which is better than you, if you can provide that to us, then you have the first priority. The project will be awarded to you. If Reliance company agrees, then project will be given to Reliance. Otherwise, the project will be given to company A. ठीक है? So in this case, what is the difference? The process is started by the private company. So the delay which happened because of the government working, those delays are avoided. Number two, private sector research and development can also be harnessed because now the private sector is actively involved, is looking for that which project can be successful and is, you know, proactively submitting the project to the government. Okay. Third, the interest of the first proposer are secured because he get the first chance to get the project if he is able to provide the same revenue terms and condition which are offered by other player and are better than him. ठीक है? So this is how this Swiss challenge model works. Now in this case, what are the benefits? Benefit मैंने आपको बता दिए कि productive private sector involvement होगा, it will drive research and development, innovation. ठीक है? More opportunities for private sector involvement. But what are the issues? Issues में क्या हो सकता है? Number one, the issues of nexus. If there is some person in the government who is involved in information sharing to the Reliance ki is wale area mein aap project submit kijiye, aapka fatafat se approve ho jayega, means there is some information sharing, some nexus, and that kind of problem can be there. Apart from that, there can be other problems also. I have already discussed this in detail in the separate that is there on your dashboard. ठीक है? So now I will give you some homework. मैं आपको कुछ homework देना चाहता हूं.